तो क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इस चैनल पे मैंने काफी रनिंग शूज को कवर किया है, लेकिन आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका बजट यहाँ पे 1000 के आसपास है और आप ऐसा रनिंग शूज ढूंढ रहे हैं जो कि 1000 के आसपास आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो आज यहाँ पे मैं दो रनिंग शूज लेके आया हूँ। एक है यहाँ पे इवेंट का स्टॉर्म रनिंग शूज। हालांकि जो इवेंट का ब्रांड है वो अभी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है, वहीं एब्रोस जो ब्रांड है उसने पहले ही हाइप क्रिएट कर रखी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रू पिक्चर क्या है, कैसे हैं ये रनिंग शूज, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आपको इनके लिए जाना चाहिए या नहीं। अगर आपका बजट यहाँ पे 1000 के आसपास है तो आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना चाहिए। दोस्तों इस चैनल पे मैं जितने भी रनिंग शूज यहाँ पे कवर करता हूँ वो सूटेबल हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बेसिकली मैं यहाँ पे मेल के रनिंग शूज कवर करता हूँ, लेकिन उसी का वर्जन अगर आप फीमेल में लेना चाहते हैं, आप कोई फीमेल हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे ले सकते हैं, वो काफ़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उनके लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जहां पे आपको फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें हेल्दी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली हेल्दी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे और इन रनिंग शूज के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इवेंट के स्टॉर्म रनिंग शूज की। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अपर में आपको टेक्सटाइल ब्रीदेबल मैच देखने को मिल जाता है, जो कि काफी एयरी फील देता है, साथ ही साथ काफी ड्यूरेबल भी है और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रनिंग शूज़। वही अगर बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की तो इसमें आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रनिंग शूज़। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जो इसका अपर है काफ़ी अच्छी खासी वेंटिलेशन देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस रनिंग शूज़ के इंसोल की तो इसमें आपको नॉन रिमूवेबल इंसोल देखने को मिलता है, बेसिकली फोम इंसोल है जो कि माइक्रोशॉक्स में आपको हेल्प करता है और साथ ही साथ जो स्वेट मैनेजमेंट होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। वही अगर आप बात करते हैं एवेंट के स्टॉर्म रनिंग शूज़ के मिडसोल की तो इसमें आपको थिक ईवीए फोम मिडसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें स्टेबिलिटी के लिए आपको टीपीयू लेयर देखने को मिल जाती है जो कि इस रनिंग शूज़ को स्टेबिलिटी देती है। एवेंट के इस रनिंग शूज़ में आपको जो मिडसोल है उसकी थिकनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है जब भी आप इसे पहन के जंप या रनिंग करते हैं। ओवरऑल अगर इसकी कुशनिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया थिक फोम मिडसोल यूज़ किया गया है, सॉफ्ट इनसोल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स इसी प्राइस रेंज के अंदर जो कि आपको इसी बजट में देखने को मिलते हैं। उनके कंपैरिजन में आपको थोड़ी अच्छी कुशनिंग इसमें देखने को मिलती है। जब भी आप जंप करेंगे या रनिंग करेंगे तो जो भी इंपैक्ट होता है उसको ये रिड्यूस करता है और आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है। अगर बात करें इस रनिंग शूज़ के कंफर्ट की तो जैसा कि इसका टो बॉक्स है वाइडर है, आपको इसके टो बॉक्स में कोई भी इशू नहीं आता। अगर आपके फीट वाइडर है तो भी आप इसे कंफर्टेबली पहन सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें जो सपोर्ट देखने को मिलता है टीपीयू लेयर देखने को मिलती है, वो इसे स्टेबिलिटी देती है। ओवरऑल अगर इसके हील काउंटर की बात करें काफ़ी सपोर्टिव है और आपको इसमें काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है अगर आप वॉक करते हैं रनिंग करते हैं, तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी इस रनिंग शूज़ की काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर बात करते हैं वेट की तो इस रनिंग शूज़ में आपको वेट देखने को मिलता है सिंगल रनिंग शूज़ का 305 ग्राम, जो कि मैंने मेज़र किया। और क्योंकि इसका जो मिडसोल है काफ़ी थिक है और जो क्वालिटी बेसिकली जो लो बजट रनिंग शूज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने मिडसोल में, जो इनका ईवीए फोम होता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू A6 या फिर नाइकी जिनमें आपको एम्पली फोम मिडसोल देखने को मिलता है, तो उस क्वालिटी का आपको मिडसोल नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से जो इनका वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर प्राइस रेंज को अगर ध्यान में रखते हैं तो वेट पूरी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, एज सच आपको कोई इशू नहीं आता क्योंकि आपको कुशनिंग भी अच्छी खासी मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं इसके आउटसोल की तो इसके आउटसोल में आपको TPR आउटसोल देखने को मिल जाता है EVA लेयर के ऊपर, जो कि इसे काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है और जब भी आप इसे पहन के रोड पर रनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन मिलने वाली है। हालांकि मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे वेट सरफेस में पहने क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी हो सकता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे इवेंट के स्टॉर्म रनिंग शूज़ के लुकवाइज तो लुकवाइज मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो कैमोफ्लाज लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है और एक इसे न्यू और प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। आप इसे 100% कैजुअल वेयर के साथ कैरी कर सकते हैं, एज सच आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हमारे बजट सेगमेंट के अंदर सेकेंड रनिंग शूज़ की, वो है एब्रोस का एंगस रनिंग शूज़। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अपर में आपको टेक्सटाइल नीटेड अपर मैच देखने को मिल जाता है, जो कि इसे काफ़ी ब्रीदेबल बनाता है और आपको पूरी अपर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे नीटेड अपर मैच देखने को मिलता है, जो कि इसकी वेंटिलेशन को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है।
और जब भी आप रनिंग करेंगे, बेसिकली समर्स में रनिंग करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन मिलने वाली है, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एयर सर्कुलेशन मिलने वाला है, आपके फीट को ड्राई रखने में काफ़ी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देगा। वहीं अगर बात करते हैं इसके इंसोल की, तो इसमें आपको सॉफ्ट मेमोरी फोम इंसोल देखने को मिल जाता है, जिसकी थिकनेस अच्छी है और आपको माइक्रोशॉक्स में काफ़ी हेल्प करेगा, बेसिकली रिमूवेबल है, आप इसे निकाल सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इसके मिडसोल की, तो इसमें आपको EVA फोम प्लस TPU एयर कुशनिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली प्लास्टिक से बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लो बजट रनिंग शूज़ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे EVA फोम मिडसोल को ही प्रेफर करिए, क्योंकि जो लो बजट रनिंग शूज़ होते हैं वो इतना R&D नहीं करते हैं, लाइक आपके लिए हाइप क्रिएट की जाती है एयर कुशन सिस्टम लाइक दिस, तो जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये जो इनकी कुशनिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, तो ऐसा नहीं होता है, तो आप इस पर पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियन का जो डेल्टा रनिंग शूज़ था, उसमें आपको EVA फोम मिडसोल देखने को मिलता है, लेकिन वो आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देता है उस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि लो बजट सेगमेंट के अंदर आता है। वैसे ही जो एब्रोस का एंगस है, इसमें आपको एयर कुशन सिस्टम देखने को मिलता तो है, बट एज सच वो आपके जो कुशनिंग है उसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। वहीं अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका रियर है, उसमें आपको TPU प्लास्टिक देखने को मिलता है फॉर स्टेबिलिटी, और प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ओवरऑल अगर कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग अच्छी है, बट आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते, लाइक कि जो क्लेम करता है ये रनिंग शूज़ कि एयर कुशन सिस्टम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल जो कुशनिंग होती है वैसा ही परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। इम्पैक्ट को कुछ हद तक रिड्यूस करता है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि आपको बिल्कुल ही काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग या प्लस कुशनिंग दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बात करते हैं इस रनिंग शूज़ के यहाँ पे कंफर्ट की, तो कंफर्ट वाइज आपको कोई भी इशू नहीं आता, दो बॉक्स इसके भी वाइडर हैं और आपको एज सच कोई इशू नहीं आएगा, अगर आपके फीट वाइडर हैं आप इजीली इसे पहन सकते हैं, आप इजीली इसमें रनिंग कर सकते हैं, और कंफर्ट वाइज ये रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करते हैं वेट वाइज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रनिंग शूज़ होते हैं वो इस टाइप की चीज़ें क्लेम करते हैं, बट ऐसा सच होता नहीं है, तो इसी वजह से इसका वेट हो जाता है 340 ग्राम, क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक PU मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है, बट ये मैनेजेबल है। अगर आप इसके प्राइस पॉइंट को देखते हैं जो कि 1000 के आसपास है, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, रोड रनिंग के लिए आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके आउटसोल की, तो इसमें भी आपको TPR आउटसोल देखने को मिल जाता है, जो कि हार्ड है और आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे या फिर आप रोड पे रनिंग करते हैं तभी भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे वेट सरफेस में पूरी तरह से अवॉइड करिए। और जो इसका आउटसोल का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ड्यूरेबल है, एज सच आपको कोई भी इशू नहीं आएगा इसकी ड्यूरेबिलिटी में, तो ओवरऑल अगर आउटसोल की बात करें, ग्रिप एंड ट्रैक्शन अच्छा है और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर लुक वाइज बात करें तो डिसेंट लुकिंग रनिंग शूज़ लगता है, एज सच कोई प्रीमियम टाइप का रनिंग शूज़ नहीं लगता है, आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, कैजुअल वियर के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम दोनों रनिंग शूज़ का एक कंपैरिजन करते हैं, तो आपको एवंट के स्टॉर्म रनिंग शूज़ के अंदर मिडसोल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, साथ साथ उसमें जो आपको वेंटिलेशन मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, हालांकि दोनों में ही आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको जो उसका वेट है वो भी कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू एब्रोस के एंगस रनिंग शूज़ से, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ओवरऑल कुशनिंग की बात करें तो उसमें भी एवंट स्टॉर्म ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एब्रोस के इस रनिंग शूज़ से। वहीं प्राइस टू वैल्यू की बात करें तो एब्रोस का जो एंगस है वो आपको थोड़ा कम प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो एवंट का स्टॉर्म है वो काफ़ी अच्छा लगता है इस प्राइस रेंज के अंदर, और आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आप रोड पे रनिंग करना चाहते हैं या फिर आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही। दोस्तों यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जैसा कि ये रनिंग शूज़ लो बजट रनिंग शूज़ हैं, तो आप इनका कंपैरिजन यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड के रनिंग शूज़ से मत करना, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी क्वालिटी वाइज डिफरेंसेस होते हैं और R&D में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने रनिंग शूज़ कवर किए वो बेसिकली लो बजट रनिंग शूज़ थे, अगर आप इनके लिए जाना चाहते हैं तो इन दोनों रनिंग शूज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एब्रोस का एंगस रनिंग शूज़ और एवेंट का स्टॉर्म रनिंग शूज़ कवर किया, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।